गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास एट विषय गणित अध्याय 14 प्रश्नावली 14.3 पार्ट 3। पार्ट 2 में मैंने आपको 14.2 के एक्सरसाइज कराई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, ये आपको डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। अब डिवीजन मेथड से है 28x4 डिवाइड 56x, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 28x4 बटे 56x बराबर, तो 28 बटे 56 गुणा एक्स बटे 4 बटे एक्स। तब इसका सोल्यूशन करेंगे, 28 से कम 28 दूनी 56 और एक्स की 4 में से एक गया, एक्स की 3, ठीक है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है आपका माइनस 36y की 3 डिवाइड 9y की 2। अब इसको करेंगे तो 36y की 3 बटे 9y की 2, तो 36 बटे 9 गुणा वाई की 3 और वाई की 2, 9 चौक 36, यह आपका माइनस में है, ठीक है। तो 9 चौक 36 माइनस 4, वाई की 3 में से वाई की 2 का वाई का 1, 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट, ये भी आपका डिवाइड मेथड है। अब यहाँ पर 5x2 माइनस 6x, इसको डिवाइड करेंगे 3x। तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 5x2 माइनस 6x डिवाइड 3x। अब यानी कि दोनों में 3 है, 5x2 बटे 3x माइनस 6x बटे 3x। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 3 5x बटे 3, x से x कट जाएगा तो 1x बचेगा, माइनस 3 दुनी 6 2। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसका करेंगे 1/3 को इससे करेंगे तो 5x माइनस 3 दुनी 6। तो इस तरह से ये आप सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका सेकंड है, सेकंड भी इस तरह से करना है, 3y की 8 माइनस 4y की 6 प्लस 5y की 4 डिवाइड y की 4, ठीक है। तो अब इसका सलूशन अगर हम करते हैं तो 3y की 8 माइनस 4y की 6 प्लस 5y की 4 डिवाइड 4y की 4। अब इसको अगर हम करते हैं तो 3y की 8 बटे 4y की 4 माइनस 4y की 6 बटे 4y की 4 प्लस 5y की 4 बटे 4y की 4 सॉरी y की 4। अब इसका सलूशन करते हैं तो y की 8 में से 4 गए, 4 बचे 3y की 4 माइनस 6 में से 4 गया 2, 4y की 2 प्लस 4 में 4 गया पूरा कट गया तो 5 बचा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम इसी तरीके से आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो मैं छुड़वा रहा हूँ वो आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। जो मैं छुड़वाऊँगा वो आप स्वयं करेंगे, इसी तरीके से आप करेंगे ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये आपका फॉर्मूले से है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट, y की 2 प्लस 7y प्लस 10। अब इसका डिवाइड करना है आपको 5 प्लस y प्लस 5। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो 5y की 2 प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड y प्लस 5। अब इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसको अगर हम खोलते हैं पहले, y की 2 प्लस 5 दुनी 10 प्लस 5 दुनी 10
बटे वाई प्लस पाँच। ठीक है, इस तरह से अगर हम खोलते हैं इसे तो y की 2 प्लस 5y प्लस 2y प्लस 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 इस तरह भी लिख सकते हैं इसे, बटे y प्लस 5। अगर हम इसको करते हैं तो इसको सॉल्यूशन को अगर हम करते हैं तो अब इसको करेंगे एक बार 5 प्लस वाई, सॉरी वाई प्लस 5 और y प्लस 2। अब ये किस तरीके से आया हमारा, अगर इसको हम खोलते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, तो यहाँ फार्मूला हमारा होगा y की सॉरी x की 2 प्लस a प्लस बी, x प्लस ए बी बराबर x प्लस a। इस फार्मूले से हमने अप्लाई करा तो ये आया, तो y प्लस 5 से y प्लस प्लस कर दिया तो आपका क्या बचा y प्लस 2, तो ये आपका y प्लस 2 सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करने हैं। अब ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करने हैं। अगले वाले क्वेश्चन का मैं सिर्फ सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। जैसे आपका सेकेंड पार्ट है इसका, थोड़ा सा समझा देता हूँ। m की 2 माइनस 14m माइनस 32, ठीक है, डिवाइड m माइनस 2 सॉरी प्लस 2। तो इसका सोल्यूशन वैसे बता देता हूँ, इसको जब हम खोलते हैं तो m स्क्वायर माइनस, तो 16 दूनी 32, 16 माइनस 2 m माइनस 32, इसको अगर हम करते हैं तो डिवाइड प्लस 2, इसको अगर हम खोलते हैं तो एम स्क्वायर माइनस, एम स्क्वायर माइनस 16 प्लस सॉरी 16 एम माइनस सॉरी प्लस 2 एम माइनस 32। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो 32 को खोल लीजिए, 16 दूनी 32, यहाँ भी 16 दूनी 32, तो m प्लस 2। अब इसके आगे का सलूशन आप स्वयं कर लेना, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, थैंक यू।